ये बोरिंग है तकरीबन, हम पानी आते हैं कॉलोनी में जो आबादी है पूरे महीने वाले पानी लेते थे यहाँ पर। कुछ महीने से ये बोरिंग की ख़राब होने से वजह से ये बोरिंग के मोटर के साथ ही उखाड़ के लग गए। हम फराज साहब को भी मीडिया के ज़रिए बोले मगर कोई रिस्पॉन्स हमको नहीं मिल रहा। फराज साहब से हम गुजारिश करते हैं कि इस बोरिंग पर एक्शन ले और महल्ले के लोगों को परेशान है वो परेशानी को दूर करें। और बारिश के दिनों में भी यहाँ रोड की बहुत तकलीफ़ है, ना पानी नालियों का भी कलेक्शन है ना रोड का, ये नहीं है। और ये खमर साहब को अलर्ट करे सो इतिहाद कॉलोनी है, खमर साहब का बहुत ख्वाहिश थी कि इतिहाद कॉलोनी को अच्छी डेवलपमेंट करे। तो हम उनके फर्जंद साहब से बोलते हैं कि अपने वालिद साहब की जो ख्वाहिश थी यहाँ पर आकर अपनी वालिद साहब की ख्वाहिश को पूरी करें और इसको डेवलप करने की कोशिश करें। कितने जने पूछ रहे, कोई काम नहीं कर रहे साहब, संडास की तकलीफ है, पानी की तकलीफ है, खाली वोटिंग के टाइम पे आते हैं, मिलते हैं मैडम आसी औरतें खुश होते हैं, जाते हैं डालते हैं आते हैं, काम होना काम आना, रोड देखना, नाली देखना, गरीबों के घर देखना, सौकर कौन है, गरीब कौन है, सब सौकर के जेबा भरते। पानी की तकलीफ बहुत है, पानी नहीं है, 24 घंटे पानी होना है। एक मोटर में आया वो पानी आ रहा है, वो भी बंद हो गया। मस्जिद की भी मोटर आया वो भी बंद हो गई है। 8 दिन से वजू करने तकलीफ हो रही है, कोई आके पूछ रहा नहीं, गली का लीडर नहीं पूछता, कारपेंटर नहीं पूछता। कौन है कारपेंटर आके? अली खान साहब है, वोटिंग के टाइम पे आते, खला जोड़ डालो क्या तकलीफ है क्या नहीं। यहाँ पर पानी की बहुत तकलीफ़ है, यहाँ पानी की बहुत तकलीफ़ है, पूरे घर की औरतें बाहर जा रहे हैं पानी के लिए। बड़े मेहरबानी है, बोरिंग अगर चालू करे तो बहुत अच्छा रहेंगे। इत्याद कॉलोनी में रोड की काफ़ी तकलीफ़ है, पानी की भी तकलीफ़ है, बारिश के दिनों में यहाँ आने जाने के लिए इतनी दुश्वारी होती है, गाड़ी नहीं आ सकते, पैदल भी नहीं आ सकते। लिहाजा मैं जो है खमर साहब के फर्जन से गुजारिश करता हूँ कि हमारी तरफ, हम गरीबों की तरफ तवज्जो दें, हमारी तमाम मुश्किलों को दूर करें। मैं इत्याद कॉलोनी से बोल रहा हूँ, यहाँ पर है ना पानी की बहुत किल्लत है, अब है ना लिहाजा पानी के लिए है ना ज़रा सहूलत करे तो मेहरबानी होती। और दूसरे उसके अलावा क्या है मालूम है, रोडों की बहुत तकलीफ़ है, नालियों की बहुत तकलीफ़ है, यहाँ पर है ना कोई केयर कर रहा नहीं, कोई केयर कर रहा नहीं, बोलने के बावजूद भी है ना हाँ हाँ ठीक है करेंगे, हर कोई ऐसे ही बोल रहे। अब हम हर एक के पास जाकर आए, कोई है ना हमारी सुनने वाला तैयार नहीं, ये हीरे को कोई आके देखने तैयार नहीं है। ये हमारे पास कॉलोनी है, कॉलोनी में बोरिंग है, उसको पानी है, मतलब मोटर चोरी गई उसकी, हमारे को पानी की बहुत तकलीफ हो रही है, जरा मोटर पानी जरा हमारे इधर कॉलोनी में दे सकते हैं, देना बिल्कुल। कितने दिन से नहीं आ रहा पानी आपके पास? अब देखो 4-5 महीने से पानी नहीं है हमारे पास। जो ये मोटर है, ये मोटर में जो चोरी हुई आपका, हाँ, की मोटर बहुत बोरिया लगी है, पर मोटर नहीं है, चोरी गई, चोरी गई है उसकी। तो इसके बारे में कंप्लेंट देने के बाद भी कोई आके पूछ रहा नहीं? नहीं पूछ रहे कोई भी। जरा महीने में पानी आया तो अच्छा होता, देखो क्या कहते जो पता। कितने दिन से तकलीफ है आपके? अब तो वो है मस्जिद का नल बिल्कुल लेते थे, वो मस्जिद को पता कर लेने के वास्ते, अब बंद पड़क हो गया महीना भर से, पानी की दुनिया का मुसीबत हो रहा है। कितने दिन से तकलीफ है पानी की आपको? पानी की है हमारे तकलीफ, यहाँ से जाको लाते घड़ा दो घड़े को छोड़े उनके पास से। तकलीफ है, कोई भी आपको पीछने वाले नहीं है, अगर पानी का इंतजाम करे तो मेहरबानी होगी। ये रोड भी बनाना जरूरी है, बना अच्छे वो सब फिर बहुत जरूरी है पानी का, और रोडों की भी प्रॉब्लम है, चिक्कड़ बारिश है तो बहुत चिक्कड़ होता करना है।